हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? कशा भलछा खम्बा गनी। तो गाइस, आपका अपने चैनल में पति पत्नी और वो में स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब और क्या कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत ठंडा है। अल्मोड़ा में इस वक्त 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बाहर बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ कुछ क्लिप शेयर करूंगी तो आप देख सकते हैं कि बाहर कितना ठंडा है। बट आपको देखने को मिलेगा मेसमराइजिंग व्यू, क्योंकि एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। तो गाइस, मकर संक्रांति और लोहड़ी का ओकेजन आने वाला है, तो गाइस क्या प्लान है आपके? तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं तिल और मूंगफली की बर्फी। तो चलिए चलते हैं फिर। हियर वी गो। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट तिल हम लेंगे 2 कप, घी लेंगे 1 टेबल स्पून, कार्डमम लेंगे 10 से 12, केशु लेंगे 10 से 15, मूंगफली लेंगे 1 कप और शुगर लेंगे 2 कप। तिल की जितनी क्वांटिटी हमने ली है उतनी हम शुगर की भी लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हम वाइट तिल भी यूज़ कर सकते हैं और जो ब्राउन तिल है वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, नो इशू। ओके गाइस, तो हम चलते हैं अपनी तिल और मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए। हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे और इसके छिलके निकाल लेंगे। इस तिल की बर्फी तैयार करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुगर सिरप लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर आधा कप पानी लेंगे और उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पानी बॉईल हो चुका है और हम इसमें जो शुगर हमने रखी हुई थी वो इसमें हम ऐड करेंगे ताकि इससे एक तार की चाशनी बन सके। तो गाइज़, यहाँ पर शुगर सिरप तैयार हो रहा है और हमने यहाँ जो कार्डमम हमने ली थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बर्फ़ी में, तो ये मस्ट है, आप इसको ज़रूर ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड किया है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है बर्फ़ी का। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ओकेजन है और येलो कलर बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मैंने इसे थोड़ा सा बर्फी में भी ऐड किया है ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो गाइस देखिए कितना प्यारा कलर इसमें आ रहा है। यहाँ पर मेरा शुगर सिरप थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा शुगर सिरप ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और अभी मैं जिस प्लेट में बर्फी लगाऊंगी उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको तैयार कर रही हूँ। तो गाइस देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है और आप इसे उंगली की सहायता से देख सकते हैं कि ये एक तार अगर इसमें बनता है तो इट मीन्स ये एक तार की चाशनी बन चुकी है। तो मैंने इसमें रोस्टेड तिल और मूंगफली ऐड कर दिया है, साथ ही अभी मैं इसमें केशु पाउडर भी ऐड करूँगी। ये देखिए गाइस, केशु पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बर्फ़ी का। तो गाइस देखिए, अभी हमारी बर्फ़ी
बनने वाली कंसिस्टेंसी में चल रही है। तो देखिए गाइस, अभी हमें इसे कंटिन्यूअसली हिलाना पड़ेगा ताकि ये कढ़ाई में अपनी जगह छोड़ दे। तो गाइस देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है बर्फ़ी का। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ ये कढ़ाई में लग जाएगी, कढ़ाई के तले में लग जाएगी। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है तिल और मूंगफली का। अभी हम जो घी लगी हुई प्लेट है उसमें हम इसे अच्छे से जमा देंगे और स्पून की मदद से हम इसे चारों तरफ फैला देंगे। तो गाइस ये काम हमें जल्दी से करना है वरना ये ड्राई हो जाएगा पेस्ट, तो फिर बर्फ़ी हमारी अच्छे से नहीं जमेगी। तो गाइस देखिए मैंने इसे कितने अच्छे से स्पून से फैला दिया है चारों तरफ से और इसे एक लेवल पर कर दिया है। तो गाइस अभी मैं इसमें गार्निशिंग करूँगी केश्यू, बादाम और कुछ पिस्ता से। अभी हमारी तिल और मूंगफली की बर्फी प्रिपेयर हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, इसका येलो कलर, और कितनी यमी लग रही है। और गाइस बिलीव मी ये उतनी ही टेस्टफुल भी है। तो गाइस अगर आपको मेरी तिल और मूंगफली की बर्फी अच्छी लगी है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी तिल की बर्फ़ी कैसी लगी और ये मस्ट मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो गाइस आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। गाइस हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। एंड यस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बिकॉज ऑफ स्माइल यू मेक योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल।